तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है गोकर्ण तक की, और यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं सूरत कल से, क्योंकि जर्नी आप समझ सकते हैं कि मैंगलोर सेंट्रल से ही शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये ट्रेन की मैं बात करूँ तो ट्रेन नंबर 06602 जो कि मडगांव स्पेशल फेयर ट्रेन है, जो कि मैंगलोर सेंट्रल से सुबह 5:30 बजे 5:30 AM इन द मॉर्निंग जो है वहाँ से डिपार्चर होती है, और लगभग 1:15 में दोपहर पहुंचाती है मडगांव। और ये हमारे D1 दी गई थी, 30 नंबर में आएगी, जो एक कॉलम नंबर दिया गया, लेकिन इस काफी आगे जा चुकी है। तो यदि आप साउथ गोवा जाना चाहते हैं तो इससे भी आप जा सकते हैं मडगांव। फाइव हो रहे हैं और यहां से ट्रेन निकल चुकी है सूरतकल रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे स्टॉपेज की काफी कम है, लाइक 1 से 2 मिनट अराउंड ही है। ट्रेन और यहाँ से निकल चुकी है, और अभी तो पूरा का पूरा जो है ट्रेन खाली है, हो सकता है आगे स्टेशन में भरे। तो अभी जो है ट्रेन जल्दी खुल गई थी, हम लोग इधर अनरिजर्व में जनरल में ही बैठ चुके हैं। हालांकि हमने बुकिंग किया था, तत्काल बुकिंग किया था 2S में, तो आपको दिखाते हैं जनरल और 2S में क्या डिफरेंस है, वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे, बने रहिए इस वीडियो। है आपका जनरल क्लास अनरिजर्व UR। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से है कुछ, बाकी यहाँ से देख सकते हैं आप, और वो चार्जिंग पॉइंट सामने दिया गया है, यहाँ पे भी है, ऊपर में भी बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, इधर भी लगेज रखने के लिए दिया गया है, तो अच्छा है। इधर भी यदि नीचे क्राउड होता है, लोग बैठे रहते, तब ऊपर में बैठ सकते हैं। अभी मैंगलोर सेंट्रल से खुली है और यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं, तो इस पूरा का पूरा एक तरह से समझोगे तो पूरा का पूरा खाली है। तो गई इस ट्रेन की बात करो तो ट्रेन नंबर 06602 जो मैंगलोर सेंट्रल से मॉर्निंग के 5:30 बजे निकलती है, जिसे बताया, वहाँ से फिर मैंगलोर जंक्शन, और टोटल स्टॉपेज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, और फाइनली ये 1:15 में मडगांव पहुँचेगी। ये सारे स्टेशन आपको बीच में आएंगे जो भी है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं पड़ो बिद्री, उसके बाद फिर ये सारे स्टेशन आएंगे। टोटल ये ट्रेन मैंगलोर सेंट्रल से लेकर मडगांव तक की 318 किलोमीटर सफ़र करते हम लोग, और फाइनली हम लोग जाने वाले हैं गोकर्ण तक। तो मैंगलोर सेंटर से गोकर्ण तक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये है 222 किलोमीटर, और यहाँ पे देखेंगे तो D1 एक है, बाकी सारे अनरिजर्व हैं। 2, 4 वी आर क्रॉसिंग मुल्की रेलवे स्टेशन, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज है या नहीं है। और फाइनली ऑन टाइम 7 PM अराउंड, लाइक यहाँ पे इस ट्रेन की आने की है 6:55, और हम लोग मुल्की रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहाँ से खुल चुकी है मुल्की रेलवे स्टेशन से।
दोस्तों ये ट्रेन की जर्नी ऑलरेडी हमने दिखा दिया है, और एक बार हम लोग इसी ट्रेन से मुर्देश्वर तक की जर्नी गए थे। तो यहाँ से मुर्देश्वर तक की आप जर्नी देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको गोकर्णा तक की जर्नी दिखाने वाला हूँ सेम ट्रेन में, तो बने रहिए इस वीडियो में। और ये ट्रेन क्रॉस कर रही है मैंगलोर सेंट्रल लोकमान्य तिलक, मैंगलोर सेंट्रल से मुंबई तक जाने वाली। इधर से ट्रेन चल रही है ना, तो इधर से हवा आएगी, उधर से नहीं आएगी, इधर से और नीचे से बोल। हाँ, और ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उडुपी रेलवे स्टेशन 7:45 में। यहाँ पे इस ट्रेन की पहुंचने की टाइमिंग थी 7:30 और हम लोग 15 मिनट डिले चल रहे हैं। लेट से कि हम लोग गोकर्णा कब तक पहुंचते हैं। गोकर्णा इसके पहुंचने की टाइमिंग है 10:37 और उडुपी में ये ट्रेन जो है काफ़ी भर जाती है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है अभी। ये है उडुपी रेलवे स्टेशन, इस ट्रेन को आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। और अभी हो चुके हैं 7:55 और उडुपी से ट्रेन निकल चुकी है। इतनी हरियाली है यार, मॉर्निंग के टाइम में ट्रेन में जाने का मजा ही कुछ और है। हम लोग पहुँच चुके हैं कुंदापुरा रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इस ट्रेन की पहुँचने की टाइमिंग थी 7:59 मतलब लगभग 8 बजे अराउंड, और हम लोग आधे घंटे डिले चल रहे हैं। कुंदापुरा गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं कुंदापुरा रेलवे स्टेशन और गोकर्णा रोड इस ट्रेन की पहुंचने की टाइमिंग है लगभग 10:30 बजे 10:37। अभी देखते हैं, आधे घंटे लेट चल रही है तो 11 बजे तक पहुंचते हैं या और डिले होती है या पहले पहुंचा देती है, देखना ये होगा। गोकर्णा रोड 10:37 अभी शो हो रहा है, लेट से कि कब तक पहुँचाती है। और यहाँ पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जहाँ पर हम लोग कुंदापुरा रेलवे स्टेशन उतर कर कुंदेश्वर टेम्पल की ओर गए थे और यहीं पर बीचेस वगैरह भी दिखाए, तो आप उसे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, यू कैन वॉच। और यहाँ पे यदि आप उतरते हैं कुंदापुरा में तो आप मरवंते बीच, त्रासी बीच सब कुछ कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग उतरने वाले आपको दिखाया भी था और यहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। मरवंते बीच तो काफ़ी खूबसूरत है, त्रासी बीच है। ट्रेन के खुलने के बाद फिर हमारी ट्रेन से रेलवे स्टेशन 9:24 9:24 AM इन द मॉर्निंग।
तो बांध दो इसको। फिफ्टीन ट्वेंटी सेकेंड ही यहाँ पे रुकी होगी और इसके साथ ट्रेन जो है यहाँ से निकल चुकी है। और ये जो फूल है ना, ये है लाजवंती का। ये हर जगह यहाँ इधर वाले एरिया में दिखता है। इसको लाजवंती हम लोग बोलते हैं, छुई मुई ना, उन्होंने लाजवंती बोलते हैं। मुंशी टच तो ये शर्मा जाती है, जो पौधे होते हैं टच में। यहाँ पे है ये सिरूर, खुल चुकी है यहाँ। नाइन थर्टी फाइव में पहुँच चुके हैं भटकल रेलवे स्टेशन। अभी हो चुके हैं 9:35 और हम लोग पहुँच चुके हैं भटकल रेलवे स्टेशन। 9:38 और भटकल से खुल चुकी है। अभी 10 बजे पहुंच चुके हैं हम लोग मुरुदेश्वर रेलवे स्टेशन। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मुरुदेश्वर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इस ट्रेन की पहुंचने की टाइमिंग थी 9:30 और 30 मिनट से डिले चल रही है। 10 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं मुरुदेश्वर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लाइक फेमस है, टेम्पल है मुरुदेश्वर टेम्पल, जो भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है। और साथ ही साथ मुरुदेश्वर बीच, तो आप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ एक बार। और इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना लिया है जिसमें हमने मुरुदेश्वर टेम्पल और बीचेस के बारे में दिखाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अब यहां से चलेंगे और फाइनली हम लोग पहुँचेंगे 11 AM अराउंड गोकर्णा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। यहां से मुरुदेश्वर से खुल चुकी है ट्रेन। एक घंटे दिल्ली के साथ यहाँ पे ट्रेन की पहुँचने की टाइमिंग थी 9:50 और हम लोग यहाँ पे पहुँचे 10:50 ऑन आवर रेलवे स्टेशन। इट्स 11:40 एग्जिट 1 आवर डिले के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं गोकर्ण रोड। हेलो गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं गोकर्ण रोड और 1 आवर डिले के साथ ही पहुंच चुके हैं। हालांकि जर्नी काफ़ी अच्छी रही,
ट्रेन अच्छी है, बस थोड़ी सी सिग्नल का इशू हो सकता है, दूसरे ट्रेन को बाईपास देने के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया, बट स्टिल लाइक हम लोग टाइम पे पहुंच गए हैं। और गोकर्ण डायरी आने वाली है काफ़ी लाइक बहुत सी जगह हम लोग जाने वाले घूमने के लिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुर्देश्वर और मुर्देश्वर टेम्पल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, होनावर के बारे में जो भी फॉल है वगैरह भी बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और अभी से चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं अभी देखेंगे। यहाँ से जाने के बाद हमें सबसे पहले टारगेट है कि बाइक लेना है, देखते हैं बाइक का क्या है रूल रेगुलेशन यहाँ पे, ताकि हम लोग घूम सकें, कॉस्ट कम से कम पड़े हमारा जो भी फेयर वगैरह में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बाइक लेना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ उसके बाद फिर होटल में स्टे करेंगे और सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ ही ये वीडियो एंड करते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको सूरतकल से यहाँ तक की जर्नी पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।